नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों से सियासी संग्राम उठा पटक तो लगातार जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में एक और समस्या शिंदे सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण को लेकर हुए आंदोलन की। पिछले दिनों, जैसा कि आपको पता है, मराठा आंदोलन को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, जिसके बाद मराठा नेताओं ने आंदोलन की मांग को उग्र करते हुए एक बार फिर से शिंदे सरकार को घेरने का काम किया, जिसके बाद शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक में फैसला लिया गया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए, जिसके बाद शिंदे ने मराठा नेताओं और आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से अपील की कि उन्हें कुछ महीने का वक्त दिया जाए, जिसके लिए वो बोर्ड का गठन करके और मराठा आरक्षण की मांग को कानूनी वैध तरीके से महाराष्ट्र में लागू कर सके। इसी के साथ जैसे ही मराठा आंदोलन की मांग छिड़ी, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण की मांग भी मराठा आंदोलन में अब जोर पकड़ने लगी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के चीफ सलीम सारंग ने कहा है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ महाराष्ट्र में मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने अपने जो है वक्फ बोर्ड के सहयोगियों, साथियों, सदस्यों से भी मुलाकात की, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे कि मराठा आरक्षण के साथ साथ महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण देने की मांग को जो है पूरा किया जाए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर राजी नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम भी आरक्षण करने की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसे में सारंग के अलावा कई और अन्य सदस्य लोगों ने कहा कि हम इस तमाम प्रक्रिया को जो है कानूनी अधिकार लेने के लिए हम एक बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अनेकों जो नेता हैं, शीर्ष क्रम के नेता हैं महाराष्ट्र में, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जिसके बाद हम आगे की कार्यवाही को जारी रखेंगे। वहीं एक तरफ देखा जाए मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी ने मराठा आरक्षण को संरक्षण दिया है, जिसके बाद मराठाओं की आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण की मांग को भी कहीं ना कहीं एक तरफ से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उनकी तरफ से उनको अधिकार देने के लिए मांग का समर्थन किया गया है। तो ऐसे में क्या अब मराठा आरक्षण के बाद मुस्लिम आरक्षण की मांग भी महाराष्ट्र में जोर पकड़ती नजर आ रही है, और क्या आगामी दिनों में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में या फिर महाराष्ट्र के की सड़कों पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नेताओं, प्रतिनिधियों के कहने पर सरकार के खिलाफ फिर से संसद करेंगे या फिर महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन की आग को और ज़्यादा उग्र करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।